दोस्तों आप लोगों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। और आज का वीडियो हमारा रहेगा इस फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का जो प्रेशर स्विच का पाइप होता है इसे कैसे क्लीन करना है। और इसमें क्या काफ़ी गंदगी या स्केलिंग भर जाता है, तो जब पानी मशीन में भरता है तो ऊपर तक इसका एयर का प्रेशर नहीं आता है और मशीन में एरर कोड बताता है। हालांकि मशीन में पानी आता है तभी भी उसका प्रेशर नहीं आने से मशीन में एरर आ जाता है और मशीन बंद हो जाती है, तो इसमें ब्लॉकेज होने से आपका मशीन चालू नहीं होता है। तो आज बताएंगे हम इससे कैसे क्लीन करना है। आप इसी तरह से टॉप लोड भी को भी क्लीन कर सकते हैं, तो वीडियो के साथ में बने रहिएगा। तो हम एक इंजेक्शन ले लेंगे बड़ा वाला, और ये प्रेशर स्विच का पाइप में एक लॉक रहता है उसे निकालेंगे और इंजेक्शन का जो प्लंजर रहता है उसे निकाल देंगे। जो सामने का जो उसका निप्पल है वो उसमें हम डाल देंगे। अब इसमें ब्लॉकेज था, हम एक हाइड्रोक्लोराइड एसिड लेंगे, आप नॉर्मल बाथरूम क्लीनर एसिड भी ले सकते हैं। तो इसे हमें इस तरह से डालना है, आराम से डालना है, और ये जो एसिड है वो नीचे तक जाएगा और जो पाइप में जो भी ब्लॉकेज है पूरी निकल जाएगी। आपको इसी तरह से 3-4 बार डालना है, तो जो भी स्केलिंग होगा वो पूरा गल जाएगा और नीचे चला जाएगा और मशीन का पंप भी क्लीन हो जाएगा। कम से कम आपको आधा लीटर के करीब डालना है। अगर ये तो स्मूथ जा रहा है नीचे, कभी कभी क्या ब्लॉकेज होने से थोड़ा टाइम लगता है तो आपको रुकना पड़ेगा जब तक ये सिरिंज ख़त्म नहीं होता है। तो प्रोसेस करते रहेंगे हम, फिर आगे बढ़ते हैं। और ऐसे डालने के बाद आपको कम से कम एक आधा घंटा ठहरना है। उसके बाद हम एक फ्रेश पानी ले लेंगे, कोई भी पानी चलेगा, और इसे कम से कम 1 लीटर इसमें डालेंगे सो दैट कि ये पूरा जो पाइप है प्रेशर स्विच का वो क्लीन हो जाए और एसिड उसमें न रहे। तो तकरीबन 1 लीटर 2 लीटर आपकी मर्जी जितना भी डाल सकते हैं, इसका कोई रेशियो नहीं है। इस तरह से डालना है। तो ये सर्फ का जो ट्रे है वहाँ से भी डालेंगे 1-2 लीटर। तो हमने कम से कम 2-3 बॉटलें इसमें भी डाल दी है पानी की, इसका कोई हिसाब नहीं है, आप बढ़ के भी डाल सकते हैं। अब हम मशीन स्पिन मोड पे लगाएंगे और जो भी पानी अंदर का एसिड वेसिड सब बाहर निकाल देंगे। फिर उसके बाद हमें फिर फ्रेश पानी डालना है 1/2 बकेट, फिर उससे भी निकाल देना है, फिर आपका पाइप क्लीन हो जाता है पूरा प्रेशर स्विच का। ये टॉप लोड और फ्रंट लोड में सेम आप कर सकते हैं। ये देखिए अंदर का गंदगी पूरा निकल गया है। तो इस तरह से प्रेशर स्विच का पाइप को इस तरह से क्लीन करने से आपका जो है प्रेशर स्विच का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। जो प्रेशर स्विच में जो एरर आता है, हर मशीन में अलग अलग तरह का एरर आता है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और कमेंट भी करें कुछ पूछना है तो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।